सेपरेशन ऑफ सेंसेस लाइक सॉरी मैंने इधर चैप्टर 5 में भी लिख रखा है तो आई एम राइटिंग चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ओके नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन आप यू भी कह सकते हैं कि सेपरेशन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो चीजें होती है उनमें से डर्ट निकाल लेते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालने के लिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते ठीक है सो लेट्स रीड द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन नाउ व्हाई डू वी सेपरेट मटेरियल हम जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन वी सेपरेट मटेरियल टू टेक आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इट फॉर एन एग्जांपल रिलीज फ्रॉम ट्री सैंड एंड वाटर ओके तो गाइस हम इसलिए करते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकालने के फॉर एग्जांपल जो हमारी जो चाय पत्ती होती है टी लीव और टी से निकालते हैं अगर हम उसको खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और सैंड एंड वाटर है अब आप पानी में मिट्टी डाल के पी जाओगे तो आपकी वो सेहत के लिए अच्छा रहेगा नो सो दैट्स व्हाई वी सेपरेट सैंड एंड वाटर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ सेपरेशन पिक्चर तो गाइस ये कुछ सेपरेशन की पिक्चर्स हैं सम वेज ऑफ सेपरेशन ये जैसे जिनोइन है लेट मी राइट यस इट इज डब्ल्यू आई एन एन ओ डब्ल्यू आई आई जिनोइन है ये हैंड पिकिंग है वेट फॉर अ मिनट ओके एल डी पी आई टी के आई एन डी है हैंड पिकिंग है ये थ्रेशिंग है थ्रेशिंग है ये जो है एस सी आई वी आई टी वी है कौन सी है टी मार्केट टी वी है एंड ये है चर्नी सभी मैंने आपकी बुक में से लिए हैं तो डोंट वरी अबाउट देम यस अब ये जो सेपरेशन होता है इनका स्किन से आपको क्या समझ आता है अब जैसे विनोइंग है ठीक है विनोइंग में हम करते क्या है कि अब जैसे फॉर एन एग्जांपल वेफर्स और बिस्किट्स है ठीक है तो आप करते क्या होगे एक बार ये जो एक्टिविटी है ये जो है विनोइंग सेपरेशन ये फार्मर्स के द्वारा यूज होता है ठीक है तो वेट फॉर अ मिनट ये जो होता है ना ये चीज ये होता है इससे हम बोलते हैं SOP इससे हम बोलते हैं सूप ठीक है और हमारे ये जो सॉरी हाँ और जो ये हमारे होते हैं ठीक है इससे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं हस पार्टिकल ठीक है और ये चीज जो हमारी इवेट पर मैंने हाँ ये चीज जो हमारे होते हैं ये होती है हमारी उदंग का ग्रेन होती है GRAIN इसे हम कहते हैं ग्रेन ओके गाइस आई होप आपको विनोइंग समझ ही आ गया होगा और ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ मेथड्स ऑफ सॉलिड मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड तो गाइस ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम सॉलिड सेपरेट करते हैं नॉट लिक्विड सॉलिड नाउ द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग व्हाट डू यू मीन बाय हैंड पिकिंग फॉर एन एग्जाम्पल गेहूँ होते हैं आपके मम्मी पापा मम्मी या दादी ईलिया निकालता है ना ईलिया किससे निकालता है हाथों से तो निकालता है तो इट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग सो लेट्स रीड द डेफिनेशन दिस इज अ टाइप ऑफ सेपरेशन विच इज डन बाय हैंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट फ्रॉम ग्रेन स्टोन्स फ्रॉम वाटर नाउ सी दिस पिक्चर आई एम सर्कलिंग इट सी दिस I hope that you have seen it. No.
दिस पिक्चर शोज दैट द मैन इज रिमूविंग द इम्प्योरिटी. सो गाइस इस पिक्चर में हमको दिखा रहे हैं कि जो आदमी है वो सच में इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव कर रहा है. इम्प्योरिटी मीन्स गंदगी, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं. नाउ फैशन दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक. इट इज यूजुअली डन बाय बीटिंग ग्रेन्स, बट इफ देयर इज अ लार्ज साइज इम्प्योरिटी इन इट, सो इट कैन बी डन बाय बीटिंग ग्रेन्स. इट इज डन बाय मशीन यूज फॉर थ्रेशिंग और कॉल्ड थ्रेशर. ओके तो गाइस ये जो सेपरेशन होता है ये ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है. और ये या तो होता है बीटिंग ग्रेन्स से, ठीक है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और अगर ये लार्ज क्वांटिटी में होता है तो ये नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए हमें थ्रेशिंग मशीन चाहिए होती है, और जो थ्रेशिंग मशीन होती है उनका नाम क्या होता है, थ्रेशर. नाउ डू यू नो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन बाय बुलॉक्स आल्सो. तो गाइस इसमें बताया गया कि जो स्टॉक्स होते हैं वो ड्राइड, वो सूखे जाते हैं किसमें, सन में, बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड. तो जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो जो सन में सूखे जाते हैं तब तक वो सेपरेट नहीं होते. और जो थ्रेशिंग होते हैं कभी कभार बुलक्स पे भी करी जाती है. नाउ विनोइंग इज अ पिक्चर ऑफ विनोइंग. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस प्रोसेस. डू यू नो व्हिच प्रोसेस इज दिस? सी दिस पिक्चर. डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand? Sorry. Wait for a minute. I have by mistake written K. So U it is. Do you understand now? This process is winnowing. This is the process of separating husk from grain. So guys, this separation is husk ko grains se separation karne ka, aur wo hai winnowing. Definition. The process. Is disturbing us. This process is used to separate the husk particles from the grain. It can be done by blowing air or by wind, and it is used for separate it. And it is used to separate lighter and heavier impurities. For example, wafers as biscuits. So guys, ये जो winnowing है, भाई बहुत interesting process है. क्योंकि आप एक बार try करना है तो blowing air से होता है, ठीक है? Blowing air मतलब उसको अपन छानते हैं ना. मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको. ये ऊपर से चल रहे, ठीक है, हवा अपने आप आ रही है, ब्लोइंग एयर. नो, ये तो होता है विंड, ठीक है, विंड अपने आप उसको बाहर ले जा रही है. और ब्लोइंग एयर का मतलब हम सामने रख लेते हैं सूप को और हम फूंक मारते हैं, तो जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं जो गैस होती है साफ वो अलग सेपरेट हो जाती है, ठीक है. So guys, that's all for today. Please like and subscribe our channel. Goodbye. So guys, the important thing I will teach more and more, then I will give you the important points. So don't worry. Bye. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.